जहाँ एक तरफ अजयनाथ कुछ अलग ही तरह की योजना बना रहा था, तो वहीं चेतन तुरंत ही अपनी स्लीपर्स हाथ में उठाकर सीढ़ियों से भागकर नीचे पहुंचा और वीर सिंह के कमरे के सामने पहुंचकर हांफने लगा। वीर सिंह चेतन को बाहर खड़ा देख अंदर से ही बोला, अरे अब क्या हो गया चेतन, ऐसे क्यों हांफ रहे हो जैसे कोई भूत देख लिया हो। चेतन वीर सिंह की बात का जवाब देने की कोशिश में उसे कमरे से बाहर बुलाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही वीर सिंह बाहर आया, चेतन अपनी सांसों पर काबू करते हुए बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये सुनते ही वीर सिंह एक अजीब से एक्सप्रेशंस के साथ बोला, हाँ वो सब तो ठीक है, लेकिन समस्या क्या है वो तो खुलकर बताओ। चेतन ने अपने विजन के बारे में बताते हुए कहा, मुझे अपने ख्याल में नजर आया कि कोई पानी में डूब रहा है और मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, लेकिन समझ नहीं आया कौन डूब रहा था। मैं बस अपनी मन की तसल्ली के लिए एक बार तीनों को देख लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई मुसीबत किसी पर भी आए। वीर सिंह को चेतन की बात फिजूल लगी, उसने चेतन को समझाते हुए कहा, जरूर तुमने कोई सपना देखा होगा, ऐसा कुछ भी कैसे हो सकता है। चेतन तुम भी ना, अभी कुछ देर पहले समझाया था तुम्हें। कहते हुए वीर सिंह दोबारा कमरे में जाने के लिए मुड़ गया। तभी चेतन ने वीर सिंह को गुस्से से चिल्लाते हुए रोका, वीर बात सुनो हमारी, पागल नहीं है हम जो यूं ही फिजूल की बात करेंगे। हमारा विजन हमेशा सही होता है, हमें पहले से पता चल जाता है कि कुछ घटने वाला है। चांदनी यहाँ आने वाली थी उसके पहले ही हम जान गए थे, लेकिन हमने किसी को कुछ नहीं बताया, इसलिए कह रहे हैं हमारी बात मानो और चलो हमारे साथ। चेतन की बात सुनकर वीर सिंह उसे हैरत से देखने लगा और कुछ देर तक चेतन को घूर लेने के बाद बोला, लेकिन तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि तुम भविष्य देख सकते हो, और ये दिव्य दृष्टि मिली कैसे तुम्हें। ये सुनकर चेतन उसे धक्का देकर खींचते हुए बोला, अरे वीर सिंह भविष्य नहीं, और ना ही मैं कोई बाबा हूँ जो भविष्य बताऊं, इसलिए अब चलो, बाकी इन सब बातों के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। चलते हुए वो दोनों घर के कंपाउंड में आकर खड़े हो गए। तभी कमर पर हाथ रख चेतन यहाँ वहां देखते हुए बोला, लेकिन हम लोग जाएंगे किससे, जीप तो वो लोग ले गए हैं। तभी वीर सिंह चेतन को देखकर मुस्कुराया और फिर आराम से बोला, लगता है तुमने घर के पिछले हिस्से में जाकर नहीं देखा। साथ चलते हुए चेतन हैरानी से बोला, मतलब वहां क्या है। तब वीर सिंह उसी मुस्कुराहट के साथ बोला, वैसे तुम्हें ना तो दिखाना चाहते थे और ना ही बताना, लेकिन अब बात इतनी बड़ी है तो चलो तुम्हें दिखा देते हैं। दोनों घर के बगल से पीछे वाले हिस्से में पहुंच गए। चेतन बाहर खड़ा आसपास की चीजें देख रहा था कि वीर सिंह ने तेजी से एक कपड़ा हटाया। चेतन उस तरफ देखते ही चौंक गया, वहां एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी थी, गाड़ी थोड़ी पुरानी थी। चेतन उसे देखते ही चौंक कर बोला, ये कार, ये कब आई यहाँ, और ये कार वीर सिंह, ये भी यहाँ है, मुझे पता ही नहीं चला कभी, खैर ये चल भी पाएगी। चेतन के मुंह से इतने सारे सवाल सुनते ही वीर सिंह ने कार के दरवाजे खोलते हुए चेतन को अंदर बैठने का इशारा किया और बोला, ये हमने तुम्हारे और माही के लिए एक छोटा सा तोहफा खरीदा है चेतन, हमारी हैसियत से जो बन पड़ा हम वो ले आए, लेकिन हमें माफ करना दोस्त, हम तुम्हें फिलहाल पुरानी गाड़ी दे रहे हैं, लेकिन जल्द ही हम अपनी माही को एक नई गाड़ी भी तोहफे में जरूर देंगे। ये सुनते ही चेतन थोड़ा भावुक हुआ और कार के अंदर बैठते हुए बोला, इन सब की क्या जरूरत थी वीर, और क्या ये नई पुरानी लगा रखा है, लेकिन खैर अभी ये बातें नहीं है, इसके लिए हम अलग से तुमसे बात करेंगे। फिलहाल ये बताओ कि इस गांव में कितनी ऐसी जगह है जहां थमा पानी भरा हो सकता है। ये सुनकर वीर सिंह कुछ सोचते हुए बोला, पानी वाली जगह एक नदी है, बाकी तीन तालाब है, नदी तो तुम जानते हो, लेकिन दो तालाब गांव से बाहर के अलग अलग रास्तों पर है, और एक अपने घर से बस थोड़ी दूरी पर। ये सारी इन्फॉर्मेशन सुनते ही चेतन ने सोचते हुए कहा, जो विजन मुझे दिखा वहां पानी थमा हुआ था, मतलब वो सीन नदी का बिल्कुल नहीं था, इसका मतलब हमें तालाबों को ही देखना होगा। तभी वीर सिंह बोला, तो ठीक है पहले गांव से दूर वाले तालाब को देख कर आते हैं, क्योंकि वहां थोड़ा जल्दी पहुंचना होगा, अंधेरा होने वाला है। उसकी बात को काटते हुए चेतन बोला, नहीं
वक्त बहुत कम है, पहले पास वाले से शुरू करते हैं। ये सुनते ही वीर सिंह ने कार की स्पीड बढ़ा दी। रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे थे जिसके चलते कार में काफी तेजी से दचके पड़ रहे थे। अचानक ही कार का एक हेडलाइट बंद हो गया। ये देख दोनों चेतन और वीर सिंह चिंता में पड़ गए। लाइट बंद होते ही चेतन बोला, प्लीज गॉड मदद करना, भले लाइट बंद हुई है लेकिन कार चलती रहनी चाहिए, यही एक सहारा है अब हमारा। चेतन को इतना परेशान देख वीर सिंह चेतन के कंधे पर हाथ रखकर बोला, चिंता मत करो हम पहुंच जाएंगे। अरे गाड़ी है अपने पास, तुम चिंता मत करो। कार चलने लगी। उसी समय जैसे चेतन की आंखें एक पल के लिए बंद हुई, वही डूबने वाला दृश्य चेतन को फिर दिखाई पड़ा। चेतन मन ही मन बोला, डोंट वरी, हम किसी को कुछ नहीं होने देंगे, हम वादा करते हैं। कि तभी अचानक वीर सिंह बोला, बस अब एक काम करते हैं, यहाँ से अंदर मैं अकेला जाता हूँ, बाकी गांव के बाहर वाले तालाब की ओर तुम ही जाओ, ज्यादा अंधेरा नहीं हुआ है, कोई ना कोई रास्ता जरूर बता देगा तुम्हें। ये सुन चेतन बोला, शायद उसकी जरूरत ना पड़े, अगर हमारी मंजिल वो है तो रास्ता मुझे मिल ही जाएगा, लेकिन तुम यही मिलना मुझे। इतना कहते हुए चेतन गाड़ी बढ़ाकर आगे निकल गया और वीर सिंह उस रास्ते पर पैदल ही चला गया। दूसरी तरफ इस बात से अनजान कि चेतन माही, चांदनी और अर्पणा को ढूंढते हुए गांव के अलग अलग तालाब पर ढूंढ रहा है, वो तीनों एक तालाब के किनारे पर आकर रुके हुए थे। माही आसपास देखते हुए बोली, भाभी ये इलाका सुनसान है और देखो धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा है, चलिए लौट चलते हैं। तभी अर्पणा बोली, अरे ननन जी अभी तो हम आए हैं, रुकते हैं ना कुछ देर। तभी चांदनी भी बीच में बोली, और माही ये सुनसान जगह है, यही तो अच्छी बात है हमारे लिए। कहते हुए अर्पणा और चांदनी हंसने लगी। तभी चांदनी दौड़कर पानी की ओर चली गई। अर्पणा भी माही को उस तरफ खींचते हुए बोली, लगता है पानी ठंडा है, चलिए माही चलकर देखते हैं। इस बात को सुनकर माही तुरंत अपना हाथ खींचते हुए बोली, नहीं नहीं गहरे पानी से डर लगता है हमें, और हमें तैरना भी नहीं आता, भाभी न जाने हम क्यों इस जगह पर आ गए। ये सुनकर अर्पणा दोबारा बोली, आप बिल्कुल चिंता ना करें ननंद रानी जी, हम है ना आपके साथ, और वैसे भी हम गहरे पानी की तरफ नहीं जाएंगे। ये कहते हुए अर्पणा उसे तालाब के करीब ले आई, और जैसे ही माही तालाब के किनारे आकर खड़ी हुई, ठीक उसी समय चांदनी ने माही को पानी में धक्का दे दिया और चिल्लाते हुए बोली, एंजॉय माही, और ये कहते ही वो दोनों भी पानी में कूद गए। दूसरी ओर चेतन और वीर सिंह लगातार अपने अपने रास्ते पर चलते हुए माही और बाकी लोगों को ढूंढ रहे थे। चेतन कार चलाते हुए मन ही मन एक बार फिर टेंशन से बड़बड़ाया, हमें उस चांदनी की बात माननी ही नहीं चाहिए थी, ना हम माही को जाने देते और ना ही दिक्कतें होती। ये सोचकर चेतन ने एक बार फिर अपनी आंखें बंद कर दिमाग पर जोर डाला। तभी उसे तीन रास्ते दिखाई पड़े जो उसकी नजरों में पड़ते ही चेतन सन्न रह गया। उसने तुरंत कार मोड़ी और उस रास्ते की ओर जाते ही बोला, ये तो वही रास्ते हैं जिन्हें मैं पीछे छोड़ आया था। चेतन तेजी से उस तिराहे की ओर मुड़कर बोला, अगर हमारी माही को कुछ भी हुआ ना तो देखना हम गुनहगार को छोड़ने नहीं वाले। रास्ते पर पहुंचते ही चेतन ने आंखें बंद करके दिमाग पर जोर दिया और उस रास्ते के बारे में सोचने लगा। उन तीनों मिलते हुए रास्तों को देखकर चेतन को एकाएक समझ आ गया कि उसे किस ओर जाना है। वो तुरंत ही गाड़ी उस तरफ मोड़ते हुए आगे बढ़ गया। चेतन कुछ दूरी तक ही चला था कि अचानक उसे फिर वही विजन नजर आया। वो रास्ता, वो आवाज एक साथ सुनाई और दिखाई पड़ने लगे। चेतन ने तेजी से ब्रेक लगा दिया और अपना सिर पकड़ते हुए बोला, शायद ये रास्ता गलत है, हाँ मैं गलत रास्ते पर हूँ, मुझे दोबारा से वापस जाना होगा। चेतन गाड़ी घुमाते हुए बोला, मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ, वो भी दो बार। ध्यान लगा चेतन, अपनी शक्तियों को ठीक तरीके से समझ। वो अपने आप को ये समझा ही रहा था कि उसे कालदूत और अपनी मुलाकात याद आ गई, जब कालदूत ने कहा था कि तुम्हें इन शक्तियों की आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ये कहते हुए चेतन एक बार फिर सही रास्ते पर आ पहुंचा था और वो विजन फिलहाल के लिए बंद हो गए। चेतन तेजी से कार चलाता हुआ आसपास देखने की कोशिश कर रहा था। चेतन एक पगडंडी को फॉलो करते हुए उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलने लगा।
सड़क के अंतिम छोर पर बने टीले के करीब अचानक उसकी नजर चांदनी की जीप पर पड़ गई। वो तुरंत ही खुश होते हुए बोला, जीप यहाँ है, मतलब वो लोग भी यहीं होंगे। चेतन आसपास ढूंढने लगा। अब तक शाम का अंधेरा रात के रूप को अपना चुका था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और पेड़ों पर छिपकर बैठे छोटे छोटे कीड़ों की आवाजें। उसके अलावा चेतन को कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। पगडंडी पर चलता चेतन केवल और केवल चांद की रोशनी को अपना सहारा बनाकर आगे बढ़ रहा था। एक बड़े से खाली मैदान के बाद चेतन उस तालाब तक पहुंच ही गया जहां माही, अर्पणा और चांदनी तीनों मौजूद थे। जब दूर खड़े चेतन की नजर उन तीनों पर पड़ी तो उसने देखा चांदनी, माही और अर्पणा तीनों एक दूसरे के ऊपर पानी उड़ाते हुए एंजॉय कर रही है। चांदनी रात में नजारा देख चेतन ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली और दोबारा कार की ओर चलते हुए खुद से बोला, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ तो ये तीनों बड़ी खुश और ठीक ठाक नजर आ रही थी, फिर हमारी शक्तियों ने हमें इस तरह क्यों दिखाया कि कोई डूब रहा है। वो दोबारा उस तालाब की ओर मुंह घुमाते हुए एक कदम चलकर बोला, नहीं नहीं नहीं, ये विजन कभी झूठे नहीं हो सकते, ये पास्ट में भी मेरे काम आए थे और चांदनी के मामले में भी एक्यूरेट थे, फिर यहाँ इनके गलत होने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मुझे दोबारा चलकर देखना चाहिए। वो दो कदम और आगे बढ़ गया और फिर खुद से बोला, पर सच में वहां सब ठीक था, वो लोग तो एंजॉय कर रहे थे, पर इस तरह उन लोगों को छिपकर देखना, ना ना हमसे ना होगा, जरूर कुछ और संकेत होंगे, या शायद मैं रिलेट नहीं कर पाया हूँ इन्हें। ये सोचकर चेतन दोबारा कार में बैठ घूम कर वापस घर की ओर चल पड़ा। उसका मन शांत हो चुका था। वहां कोई खतरा ना पाकर चेतन मन ही मन बोला, चलो भगवान का शुक्र है कि सब कुछ नॉर्मल है, मैं तो बुरी तरह डर गया था, जब वीर सिंह को बताऊंगा तो वो ना मुझ पे बहुत गुस्सा करने वाला है, मैंने खामखा बेचारे को दौड़ लगवा दी। ये सोचते हुए वो उसी रास्ते पर पहुंच गया जहां वो दोनों अलग हुए थे। वीर सिंह वहीं खड़ा चेतन की राह देख रहा था। चेतन कार रोक कर बाहर आ गया। उसे देखते ही वीर सिंह घबरा कर बोला, क्यों क्या हुआ, इस तालाब पर तो कोई नहीं मिला मुझे, तुम्हें मिले वो लोग? चेतन एक शांति भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ देखा मैंने उन्हें, तुम गुस्सा मत करना यार, मैंने शायद फिजूल में तुम्हें परेशान कर दिया, क्योंकि वो तीनों पानी में मस्त बढ़िया तरीके से नहाते हुए मस्ती कर रहे थे, तो मैं भी बस लौट आया, अब ऐसे खड़ा होकर निहार नहीं सकता था ना। ये सुनते ही चेतन से वीर सिंह बोला, क्या कहा, मस्ती कर रहे थे, वो भी पानी में, माही भी थी वहां? चेतन ने हंसते हुए कहा, हाँ यार तीनों चिल कर रहे थे। चेतन की बात सुन वीर सिंह बुरी तरह घबराते हुए बोला, अरे जल्दी वापस चलो उस तालाब पर चेतन, जल्दी। घबराए वीर सिंह को देख चेतन चौंकते हुए बोला, क्यों क्या हुआ बताओ तो सही। इस पर घबराते हुए वीर सिंह बोला, माही, माही कभी इस तरह भरे पानी के पास भी नहीं जाती, गहरा पानी देख उसे डर लगता है, वो पानी में खुश हो ही नहीं सकती, तुमने शायद गलत देख लिया होगा। ये सुनते ही चेतन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एक चिंता से भरी आवाज में बोला, क्या, लेकिन वो तो। चेतन ये कह ही रहा था कि अचानक उसके सिर में तेज दर्द हुआ और वो कराते हुए जमीन पर घुटने के बल बैठ गया। एक बार फिर वो विजन उसे साफ साफ नजर आने लगा। इस बार उसने बिल्कुल साफ साफ देखा कि माही ही पानी में डूब रही है। वीर सिंह भी चेतन को दर्द में कराहते देख घबरा गया और उसे उठाते हुए बोला, क्या हुआ चेतन, तुम ठीक तो हो ना? तब चेतन बोला, तुम सच कह रहे हो, माही की जान खतरे में है, हमारी फिक्र मत करो, जल्दी से गाड़ी घुमाओ, हमें तुरंत वहां पहुंचना होगा। कुछ देर में ही वो दोनों पगडंडी तक पहुंच गए। वीर सिंह चेतन के साथ आगे बढ़ने लगा। कच्चे रास्ते पर चलते हुए वो दोनों किसी तरह उस तालाब तक पहुंचे ही थे कि अचानक आ रही आवाजों से दोनों के कदम ठिटक गए। बचाओ, कोई तो बचाओ, ये आवाज आसपास गूंज रही थी। दोनों दौड़ते हुए इस तालाब की ओर बढ़े और जैसे ही दोनों तालाब के पास पहुंचे दोनों ने अपने सामने जो देखा वो देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने माही डूब रही थी। ये देखते ही चेतन और वीर से दोनों की एक साथ चीख निकल गई, माही, और ये कहते ही दोनों जल्दी से पानी में कूद गए। लेकिन किसी का भी ध्यान अर्पणा पर नहीं गया। वीर सिंह और चेतन पानी में कूदते ही वो अचानक पानी से बाहर अपना सिर बाहर करते हुए चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ।
क्या चेतन और वीर सिंह माही और बाकियों को डूबने से बचा सकेंगे? आखिर अचानक तीनों के एक साथ डूबने का कारण क्या था? जानने के लिए सुने खूनी।